सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बज रहे हैं सुबह के 8:15। अब मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, जैसे कि मेरी आज थोड़ी तबीयत फिट अब भी ढीली है। जैसे मेरे कल में बताया था, मेरे को पेन हो रहा है बैक में और पेट में, और आज भी हो रहा है। आई होप कि समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझ वाले छोड़ो। बाकी थोड़ी सी तबीयत ढीली है, आज भी वर्कआउट नहीं कर पाऊंगी। आई होप कि कल से कर लूँ। आप क्यों हंस रहे हो? कल भाई जो इधर ड्रामे करे ना, रात को सोते हो क्या? ड्रामे करे यू सोने में तो भाई अब उठते हैं, अपना काम वाम करते हैं, फिर वापस रेस्ट करते हैं, क्योंकि आज भी वर्कआउट नहीं हो पाएगा, कल से हो पाएगा वर्कआउट। तो दे दो एक आध गोली मुझे भी, क्या दवाइयां नहीं है ये, सप्लीमेंट है। दो चार मुझे भी दे दो। फिश ऑयल उल्टी पड़ी थी ना, फिश ऑयल। पिछली बार मैंने जब विटामिन और फिश ऑयल की मेडिसिन ली थी तो मुझे पेट मेरा पेट खराब हो गया था, इसलिए मुझे देते नहीं है ये। और कहाँ जा रहे हो सुबह? जल्दी 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 कर रहे हो बहुत। छोड़ी यार मिलने, चलो मैं भी चल रही हूँ यार। नोट डाला हुआ है, देख रहे हो? देख लो पति ऐसे ही होते हैं, लड़कियों से मिलने के लिए बीवी को नहीं लेके जाते साथ में। अब बताओ लेके जाओगे कैसे नहीं करते? सॉरी चलो भाई, इनको जानने देते, अपना जिम पे वर्कआउट करवाने देते, अपना कर लेते हैं काम, फिर उठ के अपना करते हैं जो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हिम्मत तो ज्यादा है नहीं करने की, पर कर लेते हैं। आज थोड़ी सी हालत ज्यादा खराब है, कल भी थी, ऐसी बात नहीं है कल ही थी, बट क्या करेंगे, घर में रहेंगे तो काम तो करना पड़ेगा। जल्दी से अपना सारा फिनिश करके काम, फिर अपना नहा धो के थोड़ा ब्रेकफास्ट करके फिर रेस्ट करते हैं वापस से। मेरे अंदर आज भी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा कर सकूँ काम, क्योंकि मेरी पूरी बैक इतनी पेन कर रही है, मैं बता नहीं सकती, बट करना पड़ेगा काम, कोई ऑप्शन नहीं है। कुत्ते हैं तो बता दीजिए पूरा।
मार के चले गए। मतलब कुत्तों को, मतलब कुत्तों को रखो ना रखो समझ नहीं आता, बिकॉज अगर वो ये हाल करते हैं, भाई रखना तो सेफ बिल्कुल भी नहीं है, और नहीं करते तो रख सकते हो घर में, बट जो हम खुद लेके आते हैं कुत्ता उसको हम अपने हिसाब से रखते हैं, तो शायद वो नहीं ऐसा करते। तो भाई चलो पहले कपड़े सुखा लेते हैं, सोफा तो सत्यानाश कर दिया, धूप भी बहुत तेज़ हो रही है सी, गर्मी बहुत लग रही है मेरे को, तो कपड़े सुखा लेते फटाफट। भाई कुत्ते ने ये हाल कर दिया है, पूरे सोफे का नुकसान कर दिया है, पूरी सीट वीट फाड़ दी है, थोड़ा बाहर बैठने लायक तो बिल्कुल सही था ये, लेकिन अब बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। तो थोड़ी सी गंदगी सी हो रही है तो इसको साफ़ कर देते हैं, क्योंकि तो मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है देख के, बाहर आके आते ही सब गंदा गंदा पड़ा हुआ है, तो इसको पहले क्लीन कर देते हैं फिर रूम में चलते हैं। करने का मेरी हालत वो कैसी हो चुकी है, मुझे फिर से अपना मुंह धोना पड़ेगा, मैं नहा कर गई थी और मेरी हालत ऐसी हुई है,
सिंदूर सौरभ बह गया है, कोई नहीं फेस वॉश कर लेते हैं ढंग से, फिर से तैयार हो जाते हैं। हाँ कपड़े वही रखूँगी बिकॉज कपड़े गीले नहीं हुए, हल्के फुल्के नीचे से गीले हुए हैं, वो क्या चेंज करने हैं, वो तो सूख जाएंगे, गर्मी पड़ रही है वैसे इतनी। तो भाई चलो फेस वॉश कर ले, थोड़ा ढंग से कर लेते फेस को, देखो कितनी गंदी हालत हो गई फेस की। सो भाई आज फिर जा रहे हैं वही गवर्नमेंट वर्क करने, जो कि हमारा 15-20 दिन हो चुके नहीं हुआ है। आई होप कि आज हो जाए, होप तो हर रोज ही लेके जाते हैं हम, पर कुछ होता नहीं है। कदे कोई छुट्टी बराबर, कदे कोई छुट्टी बराबर, सरकारी काम इतना डिफिकल्ट है ना, इससे बढ़िया अगर ये काम प्राइवेट हो ना, हर दूसरे दिन हो जाए, बट क्या कर सकते हैं, अब करवाना है काम तो जाना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, बैठना भी पड़ेगा। और पर बंदा है ना यार ऑफिस वाला या कोई मतलब बिजनेसमैन तो चल भाई थोड़ा बहुत अपना काम कुम छोड़ के जाए, पर ऑफिस वाला बंदा कैसे जाए यार? ऑफिस वाला बंदा फिर वो किसी के थ्रू कराता है। पर होते सबके काम मतलब ऐसे लेट ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा ही लेट हो रहा है तो सबका, पहले नहीं बोल सकते पहनने के लिए, बात खराब। पुलिस भाई चलते हैं। और मैं इसीलिए, मेरा आने का मन नहीं था, जैसे कि सबको पता ही है कि मेरी यहाँ थोड़ी ढीली सी हो रही है तबियत, बट मैं आई क्यों, रीजन ये है कि बिकॉज मुझे जूस पीना है अनार का, क्योंकि मुझे ना मतलब सभी को ही होता होगा आई थिंक, जब पेट में पेन वगैरह होता है तो इंसान को खाने का मन करता है, पीने का लिक्विड ज़्यादा मन करता है। मैं कल से खाना कम खा रही हूँ, पी ज़्यादा रही हूँ, इतना पानी पी रही हूँ कि लग रहा है कि बस पीते जाओ। और अच्छी बात है, खाना बीच में स्किप भी करना चाहिए, अच्छी बात है, ज़्यादा पानी पियो। तो देखते हैं आज जूस पिला दूँ, पैसे लाइए नहीं, मैं पैसे दूँगी फिर कैसे पिलाऊँ, मेरे को पैसे नहीं है, मेरे को भी नहीं है। वही जूस वही पिलाएंगे, देखते हैं अनार की जगह कोई और भी हुआ किसी और फ्रूट का तो वो पी लेंगे, ज़रूरी नहीं है। वैसे पहले मैंने सोचा था कि मौसमी का पीऊंगी, लेकिन मौसमी का ऐसे में मतलब खट्टा होता है तो और क्रैम्प्स आते हैं पेट में, तो वो ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए पियेंगे अनार का, अगर मिलता है तो, नहीं तो देखते कुछ और पीते। चलो देखते हैं आज काम होता है नहीं होता, आई होप कि आज हो जाए। फिंगर क्रॉस। You said never let me go.
घर आ चुके हैं, खाना मैं खा कर ही गई थी जैसे इनके साथ ही खा लिया था, बट इनका खाना एक बार को और मैंने बना दिया है। हाँ, चिकन रख के आ गई हूँ। एंड मुझे इतनी गंदी नींद आ रही थी, मैं जिम पे ही सोने वाली थी, दिन में भी नहीं सोई हूँ, तो मैं तो भाई अब इसके बाद चेंज करके फटाफट सोने जा रही हूँ। एंड ये अपना खाना खाएंगे, ये भी 5-10 मिनट में सो ही जाएंगे। सही बात है, मुझे आपको अभी दिन में सोई नहीं हो भाई। हम तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करें, कल मॉर्निंग मिलते हैं आपसे। बाय बाय, गुड नाइट।